ऐसी ही एक कोशिश आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में की है। हालांकि जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। आतंकियों का ये समूह देश की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उसी समय गश्त कर रहे जवानों की नज़र उन पर पड़ी। इसके बाद उनमें मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें 4 को तो मार दिया गया, लेकिन बड़ी सफलता तब मिली जब एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शहीद जवानों को नमन किया है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, थलसेना प्रमुख दलजीत सिंह सुहाग, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख अरुप राहा ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीर सैनिकों के आगे सिर झुकाता हूँ जिन्होंने अंतिम सांस तक भारत के लिए लड़ाई लड़ी। उनके वीर बलिदान हमें प्रेरित करते हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्विटर पर जवानों के बलिदान को सलाम किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन ने कहा कि इस पर स्वाति खुद फैसला ले कि वह राजनीति में आना चाहती है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य ने भी स्वाति की तारीफ की है और कहा है कि अगर वह राजनीति में आती है तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें चुनाव मैदान में भी उतारा जाएगा। हालांकि उन्होंने बेहद साफ तौर पर स्वाति के राजनीति में आने की बात नहीं कही, लेकिन संकेत दिए कि उन्हें विधानसभा टिकट दिया जा सकता है। उन्होंने महात्मा गांधी के पोस्टमार्टम की कोई जानकारी नहीं होने को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि गांधी को RSS ने नहीं, अंग्रेजों ने मारा था। स्वामी ने कहा कि वे 15 अगस्त के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महात्मा गांधी की हत्या पर तथ्य सामने रखेंगे। उन्होंने कहा, हमने राष्ट्रपति को भी लिखा था, जब UPA सरकार थी हमने कहा था कि गांधी को ब्रिटिश लोगों ने मारा था। कुछ ऐसी जानकारियां हैं कि माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू दोनों का यही मोटिव था। अधिसूचना को 25 जुलाई 2016 की तारीख से जारी किया गया है। ये निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर बनकर आया है जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगस्त के वेतन में उन्हें 7वें आयोग का लाभ मिलेगा। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अगस्त माह से रिवाइज सैलरी मिलेगी। कैबिनेट ने जून महीने में वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी थी। अब कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, साथ ही प्रतिवर्ष 3% की दर से वेतन में बढ़ोतरी होगी। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो और टैक्सी की 20 यूनियनों ने मिलकर संयुक्त कार्य समिति बनाई है। समिति ने दावा किया कि हड़ताल के समर्थन में करीब 85,000 ऑटो और 15,000 काली पीली टैक्सियां राजधानी की सड़कों से नदारद है। दिल्ली सरकार ने इस हड़ताल को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि ऐप आधारित कैब सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार को ही कुछ करना चाहिए। हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 26 साल के हमलावर ने 19 लोगों की चाकू गूंद कर बेरहमी से हत्या कर दी। हमले में 28 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जापान की मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार हमलावर पहले उसी सेंटर में काम किया करता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर बिल्डिंग की खिड़की से अंदर घुसा और चिल्ला रहा था, सभी अक्षम्य लोगों को गायब हो जाना चाहिए। नरसंहार के 2 घंटे बाद हमलावर अपनी कार से पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बावजूद अभी भी हमलावर ने हत्या करने की वजह नहीं बताई है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान नरसिंह यादव के डोप टेस्ट में फेल होने और उस पर उपजे विवाद के बीच अब गोली फेंक खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह को भी डोप टेस्ट में फेल बताया जा रहा है। हालांकि इस बाबत अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक कई खिलाड़ियों के सैंपल डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये सभी खिलाड़ी रियो ओलंपिक की रेस में हैं। इन सैंपल्स में इंद्रजीत सिंह का नमूना भी शामिल था। हालांकि अभी कोई भी आधिकारिक उनके नाम की पुष्टि नहीं कर रहा है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का कहना है
कि प्राइवेसी प्रोटोकॉल से बंधे होने के कारण जब तक प्रक्रिया एक विशेष स्तर तक नहीं पहुंचती, किसी भी खिलाड़ी की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। देश की दोनों बड़ी राजकीय पार्टियों ने इस मामले में कानून के तहत जांच करने के हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को मिले विदेशी चंदे पर सरकार और चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक 6 महीने के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। ये मामला इंग्लैंड की कंपनी वेदांता की सहयोगी स्टारलाइट एंड सीसा कंपनी से चंदा लेने का था। इस कंपनी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को चंदा दिया है। अमित सिब्बल ने निचली अदालत में केजरीवाल, मनीष ताजिया और प्रशांत पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए थे। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से चारों को बरी करने की दरख्वास्त दाखिल की थी। आप नेताओं को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उन पर से मामला खत्म कर दिया था, लेकिन अमित सिब्बल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए केजरीवाल और उनकी 3 साथियों को नोटिस जारी कर दिया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि सभी बीमार या लोगों के लिए खतरा बने आवारा कुत्तों को मारने या हटाने के लिए कदम उठाए जाएं और ये कदम केंद्रीय नियमों के तहत उठाए जाएं। हालांकि कोर्ट ने इससे जुड़े हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगाने से मना कर दिया था। केरल और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग अलग फैसलों में इस तरह के कुत्तों को मारने के फैसले को सही ठहराया था। इनमें कहा गया था कि लोगों की जिंदगी आवारा कुत्तों से ज्यादा जरूरी है। कई पशु अधिकार संस्थाओं ने इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। खासतौर पर ये संस्थाएं केरल में आवारा कुत्तों को मारने के लिए चलाई जा रही मुहिम पर रोक की मांग कर रही है। राज्य द्वारा सीमा पर सामान पर लगने वाले एंट्री टैक्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और कई व्यापारियों ने इस टैक्स को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्यों ने जो एंटी टैक्स लगाया है वह संविधान के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राजेंद्र कुमार की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर है, अगर इनको जमानत दी जाती है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन गवाहों के बयान अभी दर्ज होने वाले हैं उनको ये प्रभावित और धमका सकते हैं, ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 6500 से ज्यादा फुल बॉडी प्रोटेक्टर खरीदने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजों से निपटने के लिए जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है वो काफी सोच समझ कर किया जाता है और इसके इस्तेमाल से पहले दूसरे विकल्प को देखा जाता है, लेकिन जब मौजूद विकल्प से बात नहीं बनती है तो पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद घाटी में हिंसा भड़क उठी थी। जगह जगह हिंसा का प्रदर्शन हुए और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम वकीलों ने 26 जुलाई को जिले के सभी कोर्ट में हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बार काउंसिल की ओर से भी पंजाब के वकीलों से मंगलवार को कोर्ट न आने की अपील की गई है। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखते हुए कहा है, महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिन्हें फर्जी मामले में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि विधायक से 3 बार पूछताछ करने के बाद भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले दहशत का माहौल बनाया। यहां तक कि विधानसभा के मानसून सत्र में भी वो कई मसलों पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को भी विधानसभा में बाबूलाल गौर ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक हालत खराब है, लेकिन वो फिजूल खर्ची में लगी है। शिवराज सरकार को बजट पर घेरते हुए बाबूलाल गौर ने कहा कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। गौर ने सरकार की फिजूल खर्ची पर भी अलग टिप्पणी की और कहा कि सरकार 16 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रही है जो जरूरी है। उन्होंने अनुपूरक बजट के प्रावधानों को लेकर भी सवाल उठाए।
बीजेपी के यूपी के पूर्व उपाध्यक्ष जयशंकर के खिलाफ लखनऊ की CJM कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कुर्की करने के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि जयशंकर ने DSP सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद बसपाइयों ने जयशंकर की पत्नी और बेटी को पेश करने के नारे लगाए थे। बीजेपी ने पार्टी में स्वाति सिंह की भूमिका तय कर ली है और अगले हफ्ते इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकती है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इस बारे में साफ संकेत भी दे दिए थे। उन्होंने खुलकर कहा है कि स्वाति सिंह को जरूरत पड़ने पर चुनाव भी लड़ाया जाएगा और पार्टी का चेहरा भी बनाया जाएगा। केशव ने अपने गृह नगर इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए स्वाति सिंह को तेजस्वी महिला करार दिया और उनके संघर्षों की जमकर तारीफ की। 78 साल की शीला को यूपी में कांग्रेस ने CM उम्मीदवार घोषित किया है। इस माहौल में उनके बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने खुश होने के बजाय राहुल गांधी अजय माकन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं बागी स्वभाव का हूँ। संदीप दीक्षित ने संकेत दिया है कि वो विकल्प की तलाश में है। विकल्प के बारे में संदीप दीक्षित ने लिखा, अब विकल्प बचता है तो बीजेपी या आप में ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व है जिसने शीला दीक्षित पर गलत आरोपों से हमले किए। अब मैं ऐसे मवेशी की तरह घास की तलाश करूंगा जहां मुझे सम्मान मिले, मेरा आत्म सम्मान बरकरार रहे। ये बीमा कवर दुर्घटनाओं की स्थिति में रेल टिकट धारकों को रेलवे द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के अलावा है। ये बीमा दुर्घटनाओं के चलते मृत्यु, चोट और अपंगता के लिए है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ये बीमा पेशकश एकीकरण की प्रक्रिया के अधीन है और सितंबर से इसके परिचालन में आने की उम्मीदें हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं के चलते अस्पताल में भर्ती होने के मामले में बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस ठेके के लिए कुल 19 बीमा कंपनियों को छांटा गया था। इनमें से 3 का चयन बोली प्रक्रिया के जरिए किया गया। ढाका हमले के बाद विवादों में आए जाकिर ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी की पहल से हिंदू और मुसलमान करीब आए हैं और उनकी ये पहल सराहनीय है। जाकिर के मुताबिक मोदी एकमात्र ऐसे PM हैं जिन्होंने इतने कम समय में तमाम मुस्लिम देशों का दौरा किया। जाकिर ने दावा किया कि मैंने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया और ना कभी करूंगा। जाकिर ने मीडिया को चुनौती देते हुए कहा कि वो एक भी उदाहरण दिखाए जहां उसने आतंकवाद का समर्थन किया है।